हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज दिन है सोमवार और महीना है आपका दिसंबर 28 तारीख। और हम अभी अपना इमामगंज में ही हैं और इमामगंज में हम अभी अपने होटल में भी जस्ट रेडी हुए हैं। अपना मीटिंग के लिए जा रहे हैं हम डुमरिया, डुमरिया ना, डुमरिया जा डुमरिया। रहे हैं। और आगे अभी हम आपको जाते हुए मार्केट दिखाएंगे, इमामगंज की मार्केट कैसी है, क्या क्या वहाँ पे खास चीज़ें हैं इमामगंज में। तो कीप वॉचिंग और आगे हम आपको अपडेट करेंगे। गाइस, हम निकल रहे हैं अपने होटल से, अपना इमामगंज से, अपना डुमरिया के लिए। ये कौशल जी हैं और ये बालकनी है हमारे होटल की। ये बालकनी अपना गैलरी है और बहुत बड़ा होटल है। और काफ़ी अच्छी बात ये है कि अभी इस होटल में हम अकेले हैं। ये बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल है, बहुत अभी काम इसमें बाकी है। लेकिन कोविड के काल में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे पहले जो गेस्ट हैं वो हम ही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं अभी हैं। इस होटल में शौक और आराम की चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि एसी वगैरह नहीं है, कर्टेंस नहीं है, फ्रिज वगैरह अवेलेबल नहीं है अभी, और हमारा फूड वगैरह के आइटम वगैरह अवेलेबल नहीं है, हमें बाहर से ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है। तो ये अभी सिचुएशन है यहाँ की और अपना बढ़िया है। फिर भी अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये अगर आप देखेंगे आगे गार्डन है छोटा सा, बहुत अच्छा है, अच्छा गार्डन है। और मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, उधर मेन गेट है इसका, होटल का। और ये हमारे भैया हैं जो टेक केयर हमारी करते मदद हैं। हेलो कर करते दो, हैं। हेलो करो सर। ये हमारे भैया जो टेक केयर करते हैं, ठीक है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये है छोटा सा गार्डन और फूल भी हैं बहुत सारे यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। और ये है पूर्वांचल होटल, अपना इमामगंज इमामगंज मेन रोड मेन रोड है नियर ना, बाय बस अड्डा। बस अड्डे के बिल्कुल पास में है ये। अगर आप व्यू देख पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया होटल है। और काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी इसका बात ये रात का है। नज़ारा भी दिखाएंगे। और हम इसमें आपको रात का नज़ारा ऐड करके वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, फूल देखिए बहुत ही प्यारे फूल हैं। ओके गाइस, गाइस ये है बस स्टैंड। अगर बात करें इमामगंज का, यहाँ पे आप देखेंगे ये बस है जो कि जाएगी दिल्ली के लिए। इनका सिकर राज का है और बहुत सारी बसें लगी हुई हैं। यहाँ से आपको आसानी से गया के लिए बस मिल जाएगी, गया के लिए मिल जाएगी। और ये आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी बसें लगी हुई हैं। और यहाँ से अगर आप बात करें, आपको जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू और सूरत और लुधियाना, पंजाब और दिल्ली के लिए बसें मिल जाएंगी। कलकत्ता, कलकत्ता के लिए भी मिल जाएगी। रोड के हालात थोड़े से ख़राब हैं यहाँ पे, अगर आप रोड देखेंगे, रोड के हालात थोड़े से ख़राब हैं। और अगर गाड़ी की बात करें, आप देखा जैसा कि देख ही रहे हैं, यहाँ पे मोस्ट अगर बात करें पसंद की जाने वाली जो गाड़ी होती है वो अपना स्कॉर्पियो। हेलो गाइस, ये हमारे सर जी हैं, अमित सर, और ये है कौशल, और हेलो ये कौशल ये सर है हमारे, ये कौशल है, और ये मैं, नाम तो जानते ही हो, संतोष सिंह। और हम जा रहे हैं रास्ते में और वे दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, आप नज़ारा देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अपना अगर बात करें इधर बिहार में, अगर आप इधर आएंगे तो पहाड़, नदी, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखने की कोशिश कीजिए। ये है सामने गाइस, इधर 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 मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे पहाड़ है सामने, पहाड़ है दूर, जूम करके दिखाया। और इधर आप देखें जंगल है, जंगल है और खाली मैदान है, पहाड़ राइट हैंड में है और इधर जंगल है। ये नहर है, नहर क्या, नदी है, नदी मिल गई हमें रास्ते में, तो आप देख लीजिए बहुत ही शानदार नज़ारा है। इधर अपना जंगल भी बढ़िया है और इस साइड भी देख लीजिए, जंगल बढ़िया है और सामने से रोड है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है इधर का। तो गाइस, हम लौट के आ गए हैं अपने रूम पे और काफ़ी अच्छा नज़ारा रहा, हमने काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर थे अंकल जी, उनका थोड़ा आंखों से कम दिखाई देता था,
उसमें मोतियाबिंद की परेशानी थी, जैसे कि बोला जाता है हमारे इंडिया में 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है, तो हमें पहले से पता नहीं था कि उनको दिखता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कुछ अंधेरा होने लग गया, जैसे कि आप सबको पता ही है कि सर्दियों के टाइम में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इस तरीके से हमें रास्ते में पता चला। तो भाई अपना हमारा थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होती होती बचा, हमने दाहिने बाएं चिल्ला चिल्ला के उनको किसी तरीके से ले करके सही सलामत अभी होटल पहुंच गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको होटल का व्यू दिखाने के लिए बोला था कि अपना शाम को दिखाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है और बाहर लाइट चली गई है, तो अभी जैसे मैंने बताया था होटल बन रहा है तो बाहर की वीडियो तो नहीं डाल पाऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बाहर का भी लुक दिखाऊंगा होटल का, शाम का कैसा लगता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। दोस्तों चैनल हमारा नया है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि हमारा प्रयास सही है और हम आपको धीरे धीरे पूरे ही इंडिया का भ्रमण कराएंगे। अभी तो हम बिहार आए हुए हैं तो बिहार में अलग अलग लोकेशन, थोड़े दिन में मैं गया जाऊंगा तो उधर का भी लोकेशन आपको दिखाऊंगा बोधगया का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।